पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में आज रणजीत सिंह कत्ल मामले को लेकर एक बड़ा फैसला दिया गया है। प्रोनाउंसमेंट के दौरान माननीय हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा है। और जो आज माननीय न्यायपालिका द्वारा माननीय हाई कोर्ट द्वारा जो आज ये फैसला सुनाया गया है उसका हम पूर्णतः स्वागत करते हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे जो हम सदा से कहते आए हैं कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को माननीय न्यायपालिका पर माननीय अदालत पर पूर्णतः भरोसा था और है। पूज्य गुरु जी और सात चार लोग जो इसमें एक्यूज थे बनाए गए थे तो उन पांचों को आज माननीय हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। लेकिन पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में आज रणजीत सिंह कत्ल मामले को लेकर एक बड़ा फैसला दिया गया है। उस फैसले को लेकर डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता और वकील जितेंद्र खुराना हमारे साथ विशेष बातचीत में आए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उस मामले में क्या क्या हुआ। जितेंद्र जी, सच को में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जितेंद्र जी, थोड़ा सा आज बताएंगे कि हाईकोर्ट में क्या फैसला आया है या क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे जो हम सदा से कहते आए हैं कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को माननीय न्यायपालिका पर माननीय अदालत पर पूर्णतः भरोसा था और है। और जो आज माननीय न्यायपालिका द्वारा माननीय हाई कोर्ट द्वारा जो आज ये फैसला सुनाया गया है उसका हम पूर्णतः स्वागत करते हैं। जितेंद्र जी, हाई कोर्ट में आप लोगों ने किस तथ्य पर कौन से तथ्य रखे, कौन से ऐसे आधार रखे कि यह फैसला आपके पक्ष में आया है, आप इस कुछ तथ्य बताना चाहेंगे। देखिए, अभी जो आज प्रोनाउंसमेंट हुई है माननीय हाई कोर्ट ने जो आज इस आरसी 8 केस के अंदर प्रोनाउंसमेंट की है, प्रोनाउंसमेंट के दौरान माननीय हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा है और पूज्य गुरुजी और सात चार लोग जो इसमें एक्यूज थे बनाए गए थे तो उन पांचों को आज माननीय हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। लेकिन उसकी जजमेंट, फैसले की कॉपी आनी अभी बाकी है। जैसे ही वो फैसले की कॉपी आएगी तो उसके अनुसार उसको पढ़कर हम आपको बता पाएंगे कि भी किन आधारों को लेकर, किन तथ्यों के आधार पर माननीय हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जितेंद्र जी, हाईकोर्ट के इस फैसले के पश्चात डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत में खुशी की लहर दौड़ी हुई है और वो इसे सच की जीत बता रहे हैं, आप इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुशी की बात है साथ संगत के लिए। तो आपके चैनल के माध्यम से हम साथ संगत से एक अपील भी करना चाहेंगे कि आप पहले की तरह निरंतर सिमरन करते रहें और जो डेरा सच्चा सौदा की ऑफिशियल साइट से आपको कोई भी सूचना दी जाती है आपने उस पर ही विश्वास करना है, वह उसको ही मानना है। धन्यवाद खुराना जी।